ना कट जाएगी कोई नहीं बस ठीक है साल हो गए जी भगवान तो ना करी करी गांव कौन सा अपना कहां जी हल्का संध है जी अच्छा जिला करनाल है जी मैंने पढ़ लिया था 14 साल हो गए नंगे पैर चल रहा हूँ और दाढ़ी का सिर के बाला का मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बन गया मेरा प्रण पूरा हो गया ठीक है तो आज मुझे बड़ी खुशी है जनता को भी यही कहूँ भैया का मेरे मेरे तरिया प्रण लेकर चलियो नाम और बता दो अपना मेरा प्रकाश नाम है जी अलका संध प्रकाश नौ कुड़ाराम गाँव जयसिंहपुरा सारे प्रोग्राम में जाते थे आप हाँ जी हर रैली में मोटरसाइकिल पर प्रचार करता था जी मैं ठीक है मोटरसाइकिल का नाम तो मैं मशहूर हूँ जी हर रैली में जलसा में उधर दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक तेजा खेड़ा फार्म ढाबा वाली शामली पूरा हरियाणा में मैंने मोटरसाइकिल घुमाई है जी ठीक ठीक और मैं चौधरी दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री बनने के बाद ही मैंने प्रण तोड़ा ठीक है इससे पहले मैंने कोई प्रण नहीं तोड़ा बोलो ना कट जाएगी कोई नहीं बस ठीक है जिला करनाल है जी मैंने पढ़ लिया था 14 साल हो गए नंगे पैर चल रहा हूँ और दाढ़ी का सिर के बाला का मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बन गया मेरा प्रण पूरा हो गया ठीक है तो आज मुझे बड़ी खुशी है जनता को भी यही कहूँ भैया का मेरे तरिया प्रण लेकर चलियो नाम और बता दो अपना मेरा प्रकाश नाम है जी अलका संध प्रकाश नौ कुड़ाराम गाँव जयसिंहपुरा सारे प्रोग्राम में जाते थे आप हाँ जी हर रैली में मोटरसाइकिल पर प्रचार करता था जी मैं ठीक है मोटरसाइकिल का नाम तो मैं मशहूर हूँ जी हर रैली में जलसा में उधर दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक तेजा खेड़ा फार्म ढाबा वाली शामली पूरा हरियाणा में मैंने मोटरसाइकिल घुमाई है जी ठीक ठीक और मैं चौधरी दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री बनने के बाद ही मैंने प्रण तोड़ा ठीक है इससे पहले मैंने कोई प्रण नहीं तोड़ा प्रकाश सिंह जी जो 14 साल से नंगे पैर इन्होंने शपथ ली थी दुष्यंत चौटाला जी जब तक मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे ये पाँव में चप्पल तक नहीं पहनेंगे राम राम ताऊ राम राम जी सभी हरियाणा की जनता को राम 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 ताऊ आपको कैसा लग रहा है कि आपकी जो शपथ है वो पूरी हो गई है जो आपने वचन लिया था और अब क्या कहेंगे दुष्यंत चौटाला जी क्या करेंगे देश की और प्रदेश की जनता के लिए अच्छे काम करेगा 70% नौकरी देगा बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपये देगा पहली कलम का कर्जा माफ करके दिखाओगा युवा नेता है 31 साल की उम्र में मुख्यमंत्री की मोहर लग गई है और ये आने वाला टाइम में प्रधानमंत्री भी बन सकता है यो अच्छा और किसानों के बारे में क्या सोच रखते हैं दुष्यंत चौटाला जी आपकी नज़र किसानों को तो मछिया है यो किसानों को हमदर्दी है खेती से जुड़े हुआ है अच्छा मैंने जिम्मेदार का लड़का है अच्छा मैंने सुना है बीजेपी के साथ समझौता हुआ है कि सत्ता सुख भोगने के लिए समझौता किया है आप क्या समझते हैं नहीं समझौता बढ़िया होया सोच समझ के फैसला लिया इसमें मतलब 99% जनता ने सही कराया भाई समझौता सही होया सही है तो, अच्छा ये ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग है ना सोशल मीडिया के माध्यम पे दुर्प्रचार कर रहे हैं कि भाई बैग गया वह तो कांग्रेस के कीटाणु बोल रहे हैं उनमें अच्छा कांग्रेसी हैं वह जो उनसे 5-4 है नहीं वह शरारत कर रहे हैं अच्छा 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 बाकी 99% हरियाणा की जनता खुश है हलवा खीर पूरी सब्जी रोटी पूरे भंडारे चल रहे हैं दुष्यंत आज पेट में बच्चा है उसका भी दुष्यंत हो रही है पेट में बच्चा नहीं उसका भी दुष्यंत हो रहा है मुख्यमंत्री देखना चाहो थे दुष्यंत ने 5 साल का बच्चा तक लेकर और 100 साल का बुढ़ा तक भाई दुष्यंत सीएम आवा अब हमारी तमन्ना पूरी होगी सीएम बन गया 14 साल हो गए कष्टी काट दिया ना ये कल भी मेरी करनाल बात हुई थी चौधरी दुष्यंत चौटाला जी माँ जूते अच्छा, जूते तेरे को प्रयावांगे अच्छा अच्छा माँ जी घर
घर आऊंगा हरियाणा के लिए। आप आपको जूते सीएम साहब घर पहनाने आएंगे? हाँ जी सर। अच्छा कल मिले थे आप उनसे? कल मिले थे, बाकी आज फिर मुलाकात कर लिया। दिलवा के जाओगे आप? दुआ के जाओगे, मुख्यमंत्री की खुशी भी मनाओगे। मतलब आपके लिए आज दोहरी खुशी होगी? दोहरी के बीच ना, बहुत बढ़िया था जी। अच्छा जी, सुनने में आ रहा है कि ये अमित शाह के दबाव में, या फिर कोई दबाव नहीं है, ये लिखा पढ़ा जवान है चौधरी दुष्यंत चौटाला, कोई दबाव नहीं मानता, इन्हें पहले अपनी शरीयत रखी है, ये शरीयत हमारी लागू होनी चाहिए। अमित शाह ने वे शरीयत मान ली, ये जन नायक जनता पार्टी कभी झुकने वाली नहीं है, न झुकेगी। ये खुला समर्थन करते हैं, खुला समर्थन अमित शाह ने ले लिया है, भैया हम मांग पूरी करांगे। ठीक है बात। अच्छा इन आपको अगर ध्यान में हो तो किन शर्तों पे बीजेपी के साथ समझौता हुआ है इनका? इनका यह डिप्टी सीएम चौधरी दुष्यंत चौटाला, तो दो कैबिनेट मंत्री। अच्छा जी, ले जाऊंगे। एक मैं सुनने में आ रहा था कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है जिसके तहत कि सबसे पहले 75% युवाओं को रोजगार, दूसरी शर्त इन्होंने जो रखी थी कि भाई हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, तीसरी शर्त ये रखी थी कि हम 5100 बुढ़ापा पेंशन करेंगे, कि इन्हीं शर्तों पे दुष्यंत जी की सहमति बनी है? हाँ, महीने सहमति बनकर जब पार्टी का समझौता होया। ठीक है, तो और लोगों की भी राय ले लेते हैं। तो जी हाँ, मलिक साहब है हमारे साथ। अच्छा मलिक साहब, आपका अपना परिचय दो, कौन से हल्के से हो आप? मैं सभी भाइयों को दिवाली की शुभकामनाएं, और मैं दीन से हूँ, और दुष्यंत भाई को डिप्टी सीएम बनने पर हम हार्दिक बधाइयां देते हैं, और आने वाले भविष्य की आने वाले क्या विजन है दुष्यंत जी का? दुष्यंत जी का विजन है, युवाओं का नेता है, और हमारा जो एग्रीमेंट कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को हम लागू करवाएंगे, ये एग्रीमेंट बीजेपी से हुआ है, इसके लिए हम एक एग्रीमेंट पे ही हमने समझौता किया है। अच्छा जी, आपको क्या लगता है सरकार चल पाएगी जी समझौते वाली? बिल्कुल धड़ाका तो चलेगी जी, बिल्कुल बिल्कुल चलेगी जी, मचावे सरकार। अच्छा बीजेपी के साथ मतलब राशि मिल जाएगी? मिल जाएगी जी, बीजेपी की मजबूरी जरूरी है। अच्छा जी, भाई मिलती आई है, मिलती आई जी, साथ में रह के काम कर लेंगे। बिल्कुल जी, देवलाल के समय से, चौधरी देवलाल के समय से ही बढ़िया संबंध रहे हैं बीजेपी के साथ। ठीक है। अच्छा फिर ये मतलब कहीं ना कहीं इनको संदेह है, इसलिए निर्दलियों का समर्थन ले रहे हैं कि कहीं दुष्यंत जी भाई मतलब सरकार बनाने के लिए जितने ज्यादा विधायक हो उतनी बढ़िया सरकार चलेगी, और सरकार में तो विधायकों की जरूरत होती है। ठीक है जी, आपकी क्या राय है जी? राम राम जी। राम राम जी। अच्छा जी, कौन से हल्के से हो जी? हम सफेद हल्के से जी, ओम प्रकाश को जी। अच्छा जी, अच्छा आपकी नज़र में दुष्यंत जी कैसे? हमारा तो देखो इनसे शुरू से, जैसे इस परिवार का सभी की सोच अच्छी रही शुरू से लाख तक। अच्छा जी, और दुष्यंत की तो एक ऐसा सबको मिलकर एक बन गया है, एक जो देवीलाल भी उसमें दिखता है, अजय चौटाला भी उसमें दिखता है, और नन्ना चौटाला भी दिखती है, और किसान भी दिखता है, व्यापारी भी दिखता है, मजदूर भी इसके अंदर दिखता है, और मतलब ये दयालु भी है और काम करने वाला भी है। तो मतलब आपका मानना ये है किसान का, कमेरे का, दलित का, मजदूर का साथी है, इनकी आवाज़ वो विधानसभा के माध्यम से उठाएंगे? हाँ, आवाज़ तो इन्हें देखो पहले भी इनका आवाज़ उठाने में एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है, आपने पता है। हाँ जी, और इनकी माँ नन्ना चौटाला का भी विधानसभा में दूसरा नंबर रहा है। हाँ जी, हाँ जी, वो तो बैठता था इसलिए उसका कम्पटीशन कर पाई हो। ठीक है, ये तो शायद अकेली विपक्ष में होती तो और भी रिकॉर्ड बनाती, तो इनका तो रिकॉर्ड रहा है, चौधरी देवीलाल का भी, और अजय के बारे में लोग जानते रहे भी, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बना। आपकी नज़रों में क्या है कि पहली कलम से क्या करेंगे दुष्यंत जी हरियाणा की जनता के लिए? ऐसा जनता को सबसे पहले तो कुछ कैसे भी हो, जो भी अजय दुष्यंत जी करेंगे वो सबसे पहले ऐसा काम करेंगे सबको अच्छा लगे और संतुष्ट हो। अच्छा। उनकी संतुष्टि सबसे बड़ी संतुष्टि है। तो आपकी नज़र में दुष्यंत चौटाला जी पहली कलम से हरियाणा की जनता को क्या देंगे? दुष्यंत चौटाला जी पहली कलम से जो जाट रक्षण के अंदर जो बच्चे अंदर गए हैं, पहली कलम से उनको बाहर करने का काम करेंगे। और ये तो एक भोला पुणु का हरियाणा की जनता पार्टी, अपने एक बार जी दिल्ली में चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बनते जाटा ने गुड़ बैंडिया था,
तो वहाँ के लाला लोग पूछने लगे उन्होंने, भाई क्या बात होगी चौधरी, हो गुड़ की साहब बंड होने जी, मारा भाई चरण सिंह इंदिरा गांधी बन गया उसकी दिन जी, मारा तो दुष्यंत भाई खट्टर बन गया, हमें सरकार चलाएंगे, सरकार मारी है हमें सरकार के। तो मतलब सरकार भी आपकी, राज भी आपका, कलम भी आपकी। देखो जी कुछ दिन पहले अमित शाह ने कहते भाई चौधरी की चौधरी खो दी, भाई दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा के अंदर ये मैसेज दे दिया है कि चौधरियों की चौधरी बिल्कुल बरकरार है। इसको आपकी नजर में क्या है जी, दुष्यंत चौटाला जी पहली कलम से हरियाणा की जनता को क्या देंगे? सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं, और मैं खुद एक युवा हूं तो मेरी सबसे पहले तो यही अपील रहेगी सीएम साहब से कि जो 75% नौकरी में आरक्षण की बात की थी उस पर अपनी बात पे कायम रहें, और हरियाणा वासी भी सब यही बात सोच रहे हैं कि अपना राम राज्य वापस आ चुका है 14 वर्ष का वनवास कटने के बाद, और मैं यही चाहता हूँ कि जैसे सरकार से मेरी गुजारिश यही है कि युवाओं के प्रति जैसे आपने स्टार्टिंग से ही एक मुद्दा अभियान छिड़ा हुआ है उस पर कायम रहे, और किसानों के जैसे ट्रैक्टर पे दुष्यंत जी संसद में लेके पहुंच गए थे, ऐसे ही जैसे अब ये चालान वगैरह के जो धक्के से थोपे हुए नियम थे इनको वापस करवाए गए, जो हमारे केस चले हुए हैं लोगों पे उनको ख़त्म करवाए गए। अच्छा जी, मतलब आपका मानना ये है कि जो चालान है जो कानून है उसको बंद करेंगे और युवाओं को रोजगार देंगे, किसानों की मदद करेंगे, आपकी नज़र में दुष्यंत चौटाला जी पहली कलम से हरियाणा? भाई दुष्यंत चौटाला युवाओं की पहली पसंद है, और सबसे पहला काम जो जाट आरक्षण में हमारे भाई अंदर है उनको छुड़वाने का करेंगे, उसके बाद किसानों का कर्जा माफ और ये बूढ़ा बुढ़िया की क्या उनसे पेंशन बात सब भरेगा, ये सबसे बढ़िया काम होगा। अच्छा, और युवाओं को हरियाणा में 75% अपने हरियाणा के वासी होंगे, बाहर का कोई एंट्री नहीं होगी, ये सबसे बढ़िया काम है। हमारी मांग है चौधरी दुष्यंत चौटाला से और कट्टर साहब से, 14 साल के 18 साल के बच्चे समैक पी रहे हैं, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, सरकारी बिल्डिंग में सरकारी अस्पताल में 14-14 साल के समायक दारू तो पीनी छोड़ गई, समायक पर चल गई और टीके ला के लगाने, इस पर सख्ती से सख्ती कार्रवाई होनी चाहिए, प्रशासन पहला कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था, अब मेरी मांग यह है इस पर कड़ा कदम उठाना चाहिए नशे के खिलाफ। नशे के खिलाफ उनको दुष्यंत जी को आवाज़ उठानी चाहिए और कड़े कानून बनाने चाहिए, कड़े कानून बनाना चाहिए, इस पर पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है ना प्रशासन कर रही है, मैंने एक दो जगह कहा है हमारे ये सरकारी बिल्डिंग में है समायक पीन लग रहे हैं, पेन देता हो नहीं होते एक आधी पर तो पी ले कर। अच्छा जी, हाँ कहाँ की बात कर रहे हो आप, कौन से अस्पताल में पी रहे थे समायक? हर जगह है, किस किस का नाम ले, मैं हर जगह है। अच्छा जी, समायक इतने बिक्री है जमा बेअंत, मेरे पे अखबार की कटिंग भी है, फोटो भी है, 14-14 साल के दाढ़ी मुझ भी को नहीं आ रही, हुए भी समायक पीवर टिक्के लगावे, ठीक है। तो नशे के बारे में मेरी कट्टर साहब तभी और दुष्यंत चौटाला तभी पहले सबसे पहला तो नशे के बारे में प्रतिबंध लगाना चाहिए। ठीक है जी, राम राम ताऊ जी, राम राम, आपने समझे, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय जनता की। ठीक है जी, धन्यवाद।